जनपद बुलंदशहर के सियाना क्षेत्र गांव दौलतपुर कला में आज भ्रमण के दौरान सभी मार्केट बंद रही हैं और गांव में लोग अपने अपने घरों से बहुत ही कम निकले और लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री महोदय के आह्वान पर लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन किया। इसी बीच कवरेज के दौरान ड्यूटी पर तैनात मिले सब इंस्पेक्टर मनीराम जी ने बताया कि क्या नाम है आपका? एसआई मनीराम। किस कार्य से बैठे हम सब? ये क्या नाम है, कोरोना वायरस चल रहा है और हमारे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, हमारे क्या नाम है वरिष्ठ अधिकारी महोदय, जैसे जिलाधिकारी और हमारे एसएसपी महोदय साहब का आदेश है कि जनता को जागरूक करो, ये कोरोना वायरस है और ये एक आदमी संक्रमित हो गया गांव का तो सारे संक्रमित हो जाएंगे, इसलिए हमारी ड्यूटी लगाई गई है और हमें सख्त इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आप जो है क्या नाम है प्यार से जैसे भी है जनता को समझाओ, तो सर हम जो अपने जाना उसका निर्वहन कर रहे हैं ड्यूटी का। गांव को हम जाके जनता को प्यार से समझा रहे हैं कि अगर कोई बाहर से बम्बई से या नोएडा से या गाजियाबाद से कोई आदमी आ रहा है और वो क्या नाम है अगर उसको कोई संक्रमित है या कोई संभावना है तो सूचना दें, जिससे हम अपने अधिकारियों को हमारा आदेश है कि हमको सूचना दें डीएम साहब का, हमारे एसएसपी महोदय साहब का, तो इसलिए हमारी ड्यूटी लगाई गई है। और ये भी बताया गया है कि अगर कोई इस तरह का व्यक्ति मिलता है तो सूचना दें, तो हम अपने वरिष्ठ अधिकारियों को उसकी सूचना देंगे, इसलिए लगातार हम ड्यूटी कर रहे हैं जनता की भलाई के लिए। अधिकारियों ने कहा है कि यही समय है पुलिस का अपना जो है कौशल दिखाने का, दायित्व निभाने का, कौशल दिखाने का, तो हमारे डीएम साहब और श्रीमान एसएसपी महोदय साहब का ये सख्त निर्देश है कि आप जो प्यार से जो भी है जनता को जहाँ जैसे आदेश है उसका पालन कराएं, इसलिए सर जो ये दिल्ली और नोएडा से आ रहे हैं आप इतने घर तक जाकर कर रहे हैं? हाँ, हम घर पे भी गए हैं, जितने आदमी हम प्रधान जी हैं हमारे जैसे दौलतपुर के हैं, मुंबई के हैं, जितने मेरे गांव पड़ते हैं 12 गांव हैं, नरेंद्रपुर है, सारे गांव में गया हूँ और जो व्यक्ति बाहर से आए हैं उनका जो है नाम भी लिख के प्रधान जी द्वारा और उन पर अगर प्रधान जी से ये भी बताया गया कि अगर कोई ऐसी बात खतरनाक चीज़ में होता है दोस्तों सूचित करेंगे, थाना सूचित करेंगे, हमारे थाना अध्यक्ष हैं उनको सूचित करेंगे, फिर हमारे थाना अध्यक्ष हमारे वरिष्ठ अधिकारियाँ हमारे एसएसपी महोदय साहब को सूचित करेंगे। सर अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति मिला है कोरोना वायरस से पीड़ित? अभी हमारे क्षेत्र में तो कोई नहीं मिला है, लेकिन अफवाह है, जब वहाँ जाके भी मैंने देखा एक दो बार, लेकिन कोई ऐसा कोई संक्रमित व्यक्ति यहाँ नहीं मिला। और हमारे अधिकारियों का आदेश है, जो निर्देश हैं कि जो भी कोई ऐसा कोई संक्रमित व्यक्ति अगर संभावना होती है तुरंत हम सूचित, हम अपने अधिकारी सबसे पहले हम अपने श्रीमान एसएसपी महोदय को सूचित करते हैं। जी इस समय मौजूद हैं दौलतपुर कला में जहाँ पर ये एसआई मनीराम जी हैं जो थाना नरसैना से तैनात हैं और यहाँ ये अपने दायित्व निभा रहे हैं, अपनी ड्यूटी यहाँ पर निभा रहे हैं और इनसे हमने जानकारी ली, इन्होंने बताया कि जो दिल्ली नोएडा गाजियाबाद से व्यक्ति आ रहे हैं और अन्य देशों सॉरी अन्य प्रदेशों से आ रहे हैं, अन्य स्टेटों से आ रहे हैं, उनके सही तरीके से ये मेन चौराहे पर देखिए यहाँ चौराहा है, इधर कैमरामैन देखिए यहाँ पर चौराहा चौराहे पर अपनी ड्यूटी को किस तरीके से निभा रहे हैं, देखिए किस तरीके से यहाँ पर ड्यूटी को निभा रहे हैं और इस तरीके से कैमरामैन से इधर देखो इधर के साइड में यहाँ खड़े हुए हैं और ये किस अच्छी तरीके से ये अपना इनसे हमने जानकारी ली है और इन्होंने अपने गांवों के नाम भी गिनवाए हैं कि इन्हें किन किन गांवों में जाना है, किन किनों में नहीं, ये अपने इलाके को जो कोरोना वायरस है इससे संक्रमित है या नहीं है इन्होंने घर जा जा करके उनको देखा है, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा नहीं मिला है। हालांकि बताया जा रहा है कि अफवाह है लेकिन इतना नहीं है। कैमरामैन प्रवेश के साथ में सुबोध कुमार। इस समय हम मौजूद हैं बुलंदशहर के चारा क्षेत्र गांव दौलतपुर कला में जहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश अनुसार जो यहां पर लॉकडाउन किया गया था यहां पर दिख रहा है अगर दूसरे दिन भी आज देखिए चलिए इधर देखते हैं यहां पर खड़े हुए हैं हमारे दरोगा जी हैं, आइए इनसे कुछ जानकारी लेते हैं।
अच्छा और एक नाम है सरकार केंद्र सरकार राज्य सरकार का आदेश है और हमारे डीएम साहब और एसएसपी साहब का आदेश है कि क्या नाम है लॉकडाउन हो गया है जनता की भलाई के लिए ये क्या नाम है जो लोग हैं जो भारत है ये भलाई और हमारे अधिकारियों ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जो भी आदमी पालन में लगा है सरकार से समझाओ और उनको बताओ कि आप भलाई के लिए जनता की भलाई के लिए भी हमारे कहने में एसएसपी साहब डीएम साहब और हमारे जितने भी वर्ष अधिकारी हैं उन्होंने हमें निर्देश दिए हैं और लगातार हम घर पर हैं और जनता को समझा रहे हैं प्यार से कि अपने अपने घर में रहो और ये बीमारी का कोई इलाज नहीं है और अगर ये हमारे किसी गलत पर में आ गई है एक आदमी संक्रमित होगा तो सारे लोग धीरे धीरे संक्रमित हो जाएंगे इसलिए हमारे कहने में प्रधानमंत्री साहब ने और आदेश दिए हैं मुख्यमंत्री साहब के और मुख्यमंत्री साहब ने आदेश दिए हमारे डीएम साहब को एसएसपी साहब को तो हमारा आदेश किया है एसएसपी साहब ने और जनता देखिए इस समय हमने बातचीत की है मनीषा जी से जो एसआई है थाना नरसाना में जो इनका इलाका है दौलतपुर कला जो इन्होंने बताया अभी जो बाहर से दिल्ली से नोएडा से लोग बाग आ रहे हैं उनको सही तरीके से स्वस्थ हैं या नहीं है उनकी जानकारी लेते हुए और ये घर पहुंच पहुंच के ये अपने ड्यूटी को निभाते हुए घर पहुंच पहुंच के ये ग्रामीणों को देख रहे हैं कि यहाँ पर कौन बाहर से दिल्ली से नोएडा से आए हैं कौन संक्रमित है कौन नहीं है वायरस से जो एक कोरोना वायरस चल रहा है इसके लिए कैमरामैन प्रवेश के साथ सुबोध कुमार मैं पूरे क्षेत्र में घर घर जाकर जानकारी ले रहा हूं कि कौन लोग बाहर से आ रहे हैं जैसे दिल्ली नोएडा गाजियाबाद उनकी लिस्ट बना करके एसएसपी महोदय को अवगत कराया जा रहा है कोरोना वायरस को लेकर के सब इंस्पेक्टर मणिराम घर घर जाकर के जनता को भी जागृत कर रहे हैं और अपना पूरा समय क्षेत्र पर ही बिता रहे हैं जागृत करने के लिए प्रधानमंत्री के आह्वान का जनता के बीच बता रहे हैं और हर समस्या के लिए जनता से अपील कर रहे हैं जो भी जरूरत शासन प्रशासन से स्वास्थ्य विभाग से उन्हें तुरंत सूचना दें और उन्होंने अपना नंबर भी जारी किया है कॉलिंग नंबर और व्हाट्सएप नंबर भी दिया है सहयोगी कैमरामैन प्रवेश लोधी के साथ सुबोध कुमार की रिपोर्ट।